जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देव अधीन महादेव उतने भाव से आपके करीब में आता है, आपके करीब। जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। कभी कथा के पंडाल में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो, या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसके नियम को धारण कर कर कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, अपने हृदय से उसको नमन कर कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कह कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहें उसको, ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये तेरी कृपा से मिला, ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। कहो जमल अग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, हां यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार, उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते दो हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भर कर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, दो बूंद भी बचा है, और वो दो बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक जिसकी बुद्धि जो मंद बुद्धि कहा जाता है उसको, अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की दो बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता है, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर दिख रहा है बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता है। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्र में जवारे बोए जाते हैं, आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते हैं मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है, उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या, नवरात्र में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है, केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते, ना ना
पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठ्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका। महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया था, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवदी देव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे, पार्वती को देखकर, दुर्गा वचन भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा, क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक ग्रुप पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई, कारण। और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो, असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा, और वो असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को, तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा। शिवजी ने कहा, चिंता मत करो, दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहां बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहां मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई, लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं, नवरात्र में जहां जवारे बोए जाते हैं, वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमत्ता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद सुख। महाराज, उसको समझने वाला समझ सकता है। रेणुका घड़ा बनाकर शिवजी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है शिव, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल, क्योंकि उसके मस्तक पर
गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करने वाला। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर भोले पैदल चले।